मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखे हमारे साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जीवन से जुड़ा हुआ ही एक मामला है, वो है अंचल कार्यालय। अंचल कार्यालय की जिम्मेवारी काफ़ी अधिक है और हम बता दें आपको कि हम अंचल कार्यालय में आज दिन में हमने दिखाया था कि दरभंगा सदर के अंचल अधिकारी की लापरवाही की वजह से दरभंगा नगर निगम की जमीन को कुछ भूमाफियाओं ने अपने नाम से जमाबंदी कर लिया। बाद में डीएम और नगर आयुक्त के कहने के बाद उसे निरस्त किया जा रहा है। समस्या क्या है, यह तकनीक समझिए। काम का बोझ अधिक, कर्मचारी कम। हम बता दें, निश्चल प्रेम जी हैं दरभंगा के बहादुरपुर सीओ। एक चीज़ तो इसे जीवन से जुड़ा हुआ हम इसलिए कहते हैं, इसकी वजह से सारा झगड़ा है, जमीन विवाद, मारपीट, घटना, कई तरह के केसेस होते हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी सीओ की भी होती है कि वो आपके अंदर जो कर्मचारी हैं और उनके अंदर जो कुछ सो कॉल जिसको कहा जाता है वो हैं, क्या लगता है कि ऐसे में कैसे काम कर पाते हैं एक सीओ? जहाँ तक की बात है, हमारे अंदर में लगभग 12 राजस्व कर्मचारी हैं, तो समय समय पर हम लोग वीकली शुक्रवार को समीक्षा करते हैं और उसमें सभी कर्मचारी को बताया जाता है कि कोई भी पेपर अगर आता है तो उसको पहले स्थल जांच करते हुए और उनके द्वारा जो भी कागजात उपलब्ध कराया गया है उसको जांच करके सही सही मंतव्य दीजिए, ताकि पब्लिक को ना परेशानी हो और ना ही किसी के साथ गलती हो। पहले इस तरह का बहुत सारा केस ऑफलाइन में होता था, जब से ऑनलाइन हुआ है तो थोड़ा आसानी हुआ है। परेशानी तो है, लोग जागरूक नहीं है और जो दस्तावेज है, दस्तावेज भी बहुत सारा जीर्ण अवस्था में है, कुछ क्षतिग्रस्त हैं, उसी में हम लोग को काम करना है अपना, गलती ना। ये कैसे है? क्योंकि तकनीक की गलती अगर त्रुटि हो जाती है थोड़ा सा, जिसे परिमार्जन आप लोग कहते हैं, तो इस त्रुटि के लिए परेशान हो जाते हैं लोग। तो ये त्रुटि तो वो तो अशिक्षित हैं, लेकिन आपके यहाँ जो कर्मचारी हैं जो जानते हैं, वो क्यों नहीं इसको ठीक करते? हाँ, उसी के समाधान के लिए, जो आप परिमार्जन की बात करते हैं, तो उसके समाधान के लिए हम लोगों ने पब्लिक परेशान नहीं हो, होता था क्या, पब्लिक यहाँ पे परिमार्जन के लिए आते हैं तो हो सकता है कर्मचारी फील्ड में हो या यहाँ पर हैं तो फील्ड में नहीं हैं। चूँकि त्रिस्तरीय काम है, अगर उसमें सुधार होती है तो पहले कर्मचारी ड्राफ्ट करते हैं, फिर वो आर ओ लॉगिन में आता है, आर ओ फिर सी ओ लॉगिन में आता है। तीन स्तर पर होने के कारण पब्लिक कभी हम हैं तो कभी आर ओ नहीं है, कभी कर्मचारी नहीं है। तो इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए अंचल स्तर पर प्रत्येक शुक्रवार को हमने कैंप लगाया है, जिसमें खास करके ये जो त्रुटि, हल्का फुल्का त्रुटि है परिमार्जन का है या दाखिल कर कोई समस्या है, इसके लिए हम लोग कैंप लगाया। साथ ही साथ सभी राजस्व कर्मचारी को निर्देश दिया गया है कि सोम, मंगल और बुधवार तीन दिन वो अपने अपने आवंटित पंचायत के जो स्थान है, चिन्हित है, सरकारी भवन है या वो पंचायत सरकार भवन है, सामुदायिक भवन है या पंचायत भवन है, उसमें नियमित रूप से बैठेंगे और जो भी पब्लिक का जो भी काम है उसको देखेंगे। और इसका हम लोगों ने भी एक रूट चार्ट तय किया है और उसका आवश्यक निरीक्षण भी किया जाएगा। जो भी कर्मचारी लापरवाही बरतेंगे कार्रवाई की जाएगी। जब आप आए थे उस समय केसेस पेंडिंग कितने थे और उसके बाद अभी के करंट में टीम ने बैठक भी किया था, उन्होंने देखा कि तीन जगह कम केसेस है, वो ज़्यादा पेंडिंग मामले, तो कैसा लगता है? देखिए, जो वो तीन जगह का था, हम लोगों का 18 तारीख जो बैठक हुई थी उसमें चूँकि दरभंगा सदर, बहेरी और थर्ड में बहादुरपुर आता है, इस तीन अंचल में है कि आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा गिरती है, तो उसका डिस्पोजल भी करना होता है। ये सही बात है कि पेंडिंग है, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग 94-95% है सबका डिस्पोजल है। चूँकि आवेदन ज़्यादा गिरता है तो उस आधार पे हम लोग डिस्पोजल करना पड़ता है। सर का जो आदेश है कि इसको 95 से करके 98 तक करना है, हम लोग प्रयास जारी है, उसी के लिए हम लोग कैंप लगाया है और अंचल स्तर पर जो हम बताए
सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को जो कैंप करते हैं, शाम में फिर हम लोग बैठते हैं, जितना भी दाखिल खारिज का होता है उसको प्रस्ताव बना करके आगे बढ़ाते हैं और इसको कर लेंगे। जहाँ तक पेंडिंग की बात आप कर रहे हैं, तो उस समय जिसमें हम आए थे फरवरी में आए थे, और फरवरी के बाद आने के बाद कुछ उस समय बिहार सरकार का जाँच चल रहा था, फिर उसके बाद इलेक्शन हो गया, जिस कारण से पेंडिंग बढ़ गया था, वो हम लोग पेंडिंग पिछला लगभग क्लियर कर लिए हैं। अब ज़्यादा पेंडिंग नहीं है और उम्मीद है 1 से 2 महीने के अंदर हम लोग बिल्कुल आ जाएंगे। कहा जाता है कि कर्मचारी जो अपने अंदर जो कुछ कर्मचारी रखते हैं, जिसे सो कॉल्ड कहा जाता है, जिसे जमीन अभी अध्ययन करिए होंगे इतने दिन में आकर के, कुछ लोग ऐसे हैं जो, तो वो लोग जो जमीन का तैयार करते हैं खाँचा और कर्मचारी को देते हैं, कर्मचारी आप तक पहुंचता है, उसकी निगरानी होती है, क्योंकि कई बिहार सरकार की ज़मीन को लेन देन आपके भी नज़र में आया होगा, ऐसे बहुत से केसेज हैं जिसमें बाद में आपको पलटना पड़ा होगा। नहीं देखिए, हमारे पास क्या बोले, अभी हम लोग RS के आधार पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग RS के साथ साथ CS वाला मिलाते हैं, CS का हमारे पास कुछ आपका खतियान है, कुछ आम खास पंजीस मिलान करते हैं, चाहे RS में हो या CS में हो, अगर बिहार सरकार होता है तो उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उस पर काम नहीं करते। पूर्व में चूँकि पूर्व में जो भी काम यहाँ होता था CS के आधार पर होता था, RS के आधार पर नहीं होता था, इस कारण से थोड़ा बहुत उसमें खामियां रही हैं, हम लोग उसको ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। तो समझिए कि इस फ्राइडे को अब 3 मतलब कर्मचारी के साथ RO और CO बैठेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो एक चीज़ और, पेपर की कमी समझ नहीं पाते हैं अभी जिनके पास ज़मीन है, जैसे पेपर की कमी के लिए, जैसे परिमार्जन में खास करके अगर कुछ त्रुटि है, तो अगर जमानदी किस आधार पर कायम हुआ है, अगर केवाला का आधार पर आया है तो वो केवाला हमको चाहिए, पूर्व में अगर आपको लगान रसीद अगर निर्गत हुआ है तो वो रसीद चाहिए, शुद्धि पत्र अगर है तो वो चाहिए, नहीं है तो हम लोग जमाबंदी के आधार पर उसको क्लियर कर लेते हैं, अगर ऑर्डर शीट होता है, आदेश फलक होता है, वो अगर है तो दीजिए, नहीं अगर आपका कुछ केस आता है कि जिसका जमाबंदी चढ़ा ही नहीं है, छूटा हुआ जमाबंदी, तो उसका है कि पूर्व में था 11 मई 2023 से पूर्व था आदेश के अंचलाधिकारी स्वयं उसको चढ़ाएंगे, बीच में ये भूमि सुधार उस पर महोदय को दिया गया था आदेश, उनके माध्यम से आदेश आएगा तब चढ़ाएंगे, पुनः ये प्रावधान किया गया है परिमार्जन प्लस के माध्यम से कि आप आवेदन करें, सभी साक्ष्य संलग्न करें, प्रोसेस वही रहेगा, हम लोग जांच कराएंगे, अमीन से भी सत्यापन करवा लेंगे, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। लेकिन इसमें एक समस्या है कि अभी वो पोर्टल चालू तो हो गया है, पब्लिक आवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग इनमें शो नहीं हो रहा है, हम लोगों ने बात पटना में किया है तो उनके द्वारा बताया गया 1 सप्ताह में चालू हो जाएगा, तो उसमें जो छूटा हुआ जवान दी खास करके जो ऑनलाइन में प्रदर्शित नहीं हो रहा है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। DCLR कार्यालय और CO कार्यालय के बीच क्या गैप है, किसी मुद्दे पर गैप है, या फिर जो DCLR कार्यालय में जो रिकॉर्ड रूम में जो कहता है वो हिसाब से यहाँ CO कार्यालय में भी दर्ज होता है, या नेट पर भी वही चढ़ता होगा? नहीं, जो आदेश वहाँ से हमारे DCLR कार्यालय से जो भी आदेश आता करते हैं, इसमें गैपिंग का तो कहीं कोई प्रश्न नहीं, गैप नहीं, नहीं कोई गैपिंग नहीं है, जो ये है क्या स्पष्ट आया है निर्देश कि जो उच्चाधिकारी का जो भी आदेश है उस आदेश का अनुपालन करना है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं। रजिस्ट्रार कार्यालय में जितने सरकारी भूमि है उसका लिस्ट आपने सौंप दिया रजिस्ट्री, ताकि उस रजिस्ट्री ना हो, ये पहले भी आदेश आया था, हाँ रखा गया, ये पूर्व में ही यहाँ से जितने भी आपका सरकारी भूमि का रोक सूची में डाला गया है, और बीच में अगर उनको ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं इसका यहाँ पे रिपोर्ट मांगना होता है तो रिपोर्ट हमसे मांगते हैं, हम लोग जाँच कर उसको भेज देते हैं। तो हम बता दें, प्रत्येक शुक्रवार को अब दरभंगा के बहादुरपुर CO ने जो एक नई स्कीम ली है, खासकर जो इनका पेंडिंग केसेज है, उसको कोई भी जनता जिनके पास सारे पेपर हों वो पेपर लेकर के शुक्रवार को आएंगे, यहाँ सभी अधिकारी बैठेंगे, ताकि यहाँ तुरंत उसका समाधान हो। एक अंतिम सवाल कि अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, सबकी अपनी अधिकारी कर्मचारी की प्रॉब्लम, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम ये है जैसे कर्मचारी सब है हमारे पास 12 में 3 पुराने हैं और 9 कर्मचारी नए हैं, शुरुआती दौर में इनको प्रशिक्षण हल्का प्रशिक्षण दिया गया है, लेकिन अभी भी हम जो हम देखते हैं या समीक्षा करते हैं या दाखिल खारिज के केस में उनके द्वारा जो मंतव्य दिया जाता है वो सारगर्भित नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता है, जिसके कारण हम उसको या तो हमको दोबारा वापस करना होता है, उसको समझाना पड़ता है कि नहीं इसको आप ये सही कारण लिखें ताकि हम उस पर एक्शन ले पाएँ। तो
तो वहाँ पे थोड़ा समस्या है नए कर्मचारी को। हम लोग का वर्कशॉप होगा, लेकिन बहुत ये आईओ हो गए, पुलिस के आईओ जो कि गलत जांच रिपोर्ट पर देते हैं तक। तो ये हम लोग एक बार बात करते हैं अपने उच्च अधिकारी से, बात करेंगे अगर संभव हो सकेगा तो एक कार्यशाला आयोजित करा करके इनको बेसिक जो है दोबारा प्रशिक्षण की मांग करेंगे, अगर होता है तो अच्छी बात होगी। तो चले, दो महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं और उनके अंदर जो कर्मचारी जो काम करते हैं वो पूरी तरह ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, जिस वजह से कई ऐसे केसेस हैं जिस सही को गलत और गलत को सही कर दिया जाता है, आम जनता को परेशानी होती है और सीओ कार्यालय पर भी उंगलियाँ उठती हैं। ये तमाम बातों को लेकर के अब शुक्रवार को भी लगातार काम होंगे, शनिवार को तो थाने में होती हैं, क्योंकि देखिए ये अंचल कार्यालय ऐसा महत्वपूर्ण कार्यालय है जिसमें कई जिंदगियों का सवाल है। कई अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचते हैं लेकिन कहीं अगर थोड़ा सा भी त्रुटि रहा तो फिर उनका महीनों सालों भर वो जमीन बिक नहीं पाता। इस केसेस में एक अंचलाधिकारी के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है और ये सीधा कहें तो कुछ नए कानून आए हैं, उस कानून को लेकर के और भी थोड़ा सा, लेकिन आप निश्चित तौर पर शुक्रवार को आकर के अपनी पेपर्स लेकर के जरूर मिले। धन्यवाद। थैंक यू।